हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। इन दिस लेक्चर वी विल सी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द मेन फीचर्स ऑफ आवर मेन राइट्स ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। Right against exploitation, the main objective of the constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established। ये right देने का importance इसलिए जो main objective है constitution में दिया गया है कि किसी भी person को does not suffer exploitation at the hands of other person, एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी भी तरह कोई एक्सप्लॉइट ना करे। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रगरी, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर आर बैंड। ये सारी चीज को बैन किया गया। द वायोलेशन ऑफ दिस राइट इज पनिशेबल ऑफेंस। और अगर किसी ने ये राइट को वायोलेट किया तो ये एक पनिशेबल गुना हो जाता है। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स लेबर और इम्पोस्ड स्लेवरी, वर्क विदाउट पे एंड द ओल्ड ड्रगरी सिस्टम हैज टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट। ये राइट के जरिए जो हमारे इलीगल जो चल रहा था फोर्स लेबर, बच्चों को इम्पोस्ड स्लेवरी, गुलामी का, वर्क विदाउट पे, पेमेंट के बगैर काम कराना, ये सारी सिस्टम को बंद करने के लिए ये राइट को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया। टू वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस, फोर्स्ड और इम्पोज लेबर इज ए पनिशेबल एक्ट। और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया, किसी भी पर्सन ने किसी से काम करवाया और उसका पेमेंट नहीं किया और उसने मिनिमम वेजेस के अंतर्गत उसको कम सैलरी दिया या फोर्स करके या जबरदस्ती करके लेबर में डाला, तो ये पनिशेबल एक्ट हो जाता है। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन फैक्ट्री, माइन और एनी डेंजरस प्रोफेशन, गैरेज, होटल, और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज ए हाउस होल्ड सर्वेंट। कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे की एज वाला को कहीं भी फैक्ट्री में या ऐसी खान में, माइन में, या कोई भी डेंजरस प्रोफेशन में, गैरेज में या होटल में काम करना या घर पे एज ए सर्वेंट भी काम करना नहीं है। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट का प्रोहिबिशन के अंतर्गत ऑल दीस आर पनिशेबल ऑफेंसेस, और ये सारे गुना की सज़ा है, पनिश करना है। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी शॉर्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विसेज इन एनी फील्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास, विद और विदाउट रेम्यूनरेशन। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपेगेट द सेम इज मेंशन इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपनी चॉइस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया है उसको वो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिशेबल लिमिट्स। लेकिन ये राइट जो है वो कुछ जो परमिशन दिया है, कुछ लिमिट दिया है, उसी में एंजॉय करना है। सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट ना हो। मोरालिटी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। और ये राइट टू फ्रीडम में ये रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स इसमें इंक्लूड नहीं किया है। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजियन ऑफ इट्स ओन, और द इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजन और सेक्शन।
किसी भी राज्य भारत देश का डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म और कोई भी ऐसे सिद्धांत या पर्टिकुलर ये बेस पे कोई भी राज्य नहीं चलाएगा। द स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर, किसी भी रिलीजियस मैटर में राज्य जो है वो कैन नॉट इंटरफियर, और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी ग्रुप, और कोई भी ग्रुप का रिलीजियस बिलीफ में इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन मैनेज एंड एडमिनिस्टर दैम फॉर रिलीजियस एंड फिलेंट्रॉफिक एम्स। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स कलेक्टेड थ्रू पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फंड फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियस और सेक्शन। राज्य ये जो भी फंड कलेक्ट किया हुआ है पब्लिक टैक्स के जरिए या पब्लिक का पैसा, पब्लिक फंड फॉर द बेनिफिट एंड उसका डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन, कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन या सेक्शन के लिए वो यूज़ नहीं कर सकता। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन और कंपेल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन और अटेंड एनी रिलीजियस मीट। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, जो गवर्नमेंट ग्रांट पे चल रही है, कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन, वो रिलीजियस एजुकेशन को नहीं कर सकता या कंपेल द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकता टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन और अटेंड एनी रिलीजियस मीट। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियंस, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव्स इन इंडिया। हमने देखा कि भारत में बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग कल्चर के लोग हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनीसिटी। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच रिलाई ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और एनी अदर रीज़न। किसी भी रीज़न के बहाने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की ग्रांट के ऊपर डिपेंड है, वो किसी भी ऐसे ये ग्राउंड्स पे किसी भी बच्चे को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता। इफ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ माल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123/3। ये किसी भी इंडिविजुअल अगर धर्म के नाम पर अगर अपील करता है तो ये माल प्रैक्टिसेस ये एक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम ए लॉ एंड प्रोवाइड द राइट टू इट्स सिटीजन टू फॉर्म एंड मैनेज एनी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इट द स्टेट डिजायर्स टू टेक ओवर और कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, then it can do so only after giving proper returns. In this way, important provisions in context of education institution have been made in the constitution. हमारे constitution में ये भी एक right को provision किया गया हुआ है education के base पे किसी भी धर्म या religion या language या caste के ऊपर discriminate नहीं कर सकते। सो वी हैव सीन मेन टोटल 6 राइट्स अंडर आवर फंडामेंटल राइट्स, वी हैव सीन 5 राइट्स। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द लास्ट 6th राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू।